हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में आपके साथ मेरे कुछ एवरीडे हैबिट शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं ये कौन से टिप्स है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरी सबसे पहले हैबिट ये है कि जब भी मैं उठ के सुबह लिविंग रूम में आती हूँ, तो सब मेरा कुछ हो जाने के बाद लिविंग रूम की जो शीट्स है, जहाँ पे मैं सोफ़ा चेयर पे कवर्स डालती हूँ, उनको ज़रूर चेंज करती हूँ। क्योंकि दिन भर में बच्चा खेलता है, खाता पीता है, तो कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स या खिलौने गिर ही जाते हैं। तो एक बार मैं सारे जो मेरे शीट्स है, अगर चेंज करना चाहती हूँ तो चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो अगर पुराने ही रखना चाहती हूँ तो उसको अच्छे से झटक के फिर लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो लिविंग रूम है वो चंद मिनटों में, मतलब 7 से 8 मिनटों में पूरी तरह से रेडी हो जाता है, और बाद में आपको पूरा दिन इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी अगली हैबिट आप बोल सकते हैं, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो तुरंत खाना बनाने के बाद जो मसाला के बॉक्स है या मसाला दानी है, उसे तुरंत पोंछ लेती हूँ। क्योंकि खाना बनाने के बाद हम इसे खोलते हैं, बंद करते हैं, तो कई बार उसमें दाग धब्बे भी लग जाते हैं। तो मेरी एक आदत है कि इसे यूज़ करने के बाद तुरंत मैं अच्छे कपड़े से, जो साफ़ कपड़ा है, उसे मैं पोंछ लेती हूँ। इसकी वजह से कोई भी दाग धब्बे मेरे मसाला दानी पर नहीं लगते हैं। उसी तरह मैं रोटी बनाने के वक्त जो आटा का डब्बा होता है या तेल का कंटेनर होता है, उसे भी तुरंत कपड़े से पोंछ लेती हूँ। इससे क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल्स चीज़ों पे नहीं रहते हैं, और उसकी वजह से कोई भी कीड़े या चींटियाँ मेरे किचन में नहीं होती है। और एक ये अच्छी हैबिट है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। जैसे हम खुद की केयर करते हैं, उसी तरह अपने जो इंडोर प्लांट्स है उनको भी केयर करनी चाहिए। तो मैं हफ्ते में एक दिन जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, वैसे तो ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो मिट्टी है उसे मैं एक बार नीचे ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये भी हैबिट अपने घर को अच्छा रखने में इंक्लूड की जा सकती है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को चेंज करना। मुझे एक ही सिस्टम फॉलो करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कुछ दिन बाद मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, कुछ चेंजेस है, उसे ज़रूर करती हूँ। उससे क्या होता है, चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाती है। उसी तरह जब भी हम कैबिनेट्स क्लीन करते हैं, तो जो भी रैक या शेल्फ उसमें रखते हैं, तो उसे भी अच्छी तरह से पोंछ लेना चाहिए। कई बार उनके ऊपर चीज़ें जो रखते हैं उनको ही हम पोंछ के साफ करते हैं, लेकिन जो कैबिनेट की शेल्फ है उसे साफ करना भूल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है, आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है जो भी डेकोरेटिव आइटम्स आप लिविंग रूम में लगाते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल प्लांट हो या कोई भी वॉल हैंगिंग हो, उसे भी अच्छी तरह से क्लीन करना, उसे मेंटेन रखना, ये भी बहुत ही एक अच्छी हैबिट है। क्योंकि इससे वजह से कोई भी धूल या मिट्टी आपके घर में नहीं रहती है। अगर आप कुछ डेकोरेटिव आइटम्स आपके घर में रखते हैं तो उसकी भी केयर करना चाहिए, नहीं तो धूल मिट्टी बैठने के बाद उसका जो ओरिजिनल कलर है वो काला होने लगता है या वो ख़राब होने लगता है। अगर आप ज़्यादा दिन तक उसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी प्रॉपर तरीके से केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं 10 मिनट हर रोज़ अपने लिविंग रूम की डस्टिंग करने के लिए ज़रूर देती हूँ। उसी तरह जब आप स्क्रबर यूज़ करते हैं किचन में बर्तन साफ करने को, उनको भी क्लीन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसे क्लीन नहीं करते हैं तो फूड पार्टिकल की वजह से उसमें एक बदबू आने लगती है या बैक्टीरिया ग्रो होने की चांसेस होते हैं। तो मैं हफ्ते में एक बार बेकिंग सोडा में गर्म पानी डाल देती हूँ, और 10 से 15 मिनट के लिए इसमें सारे स्क्रबर को भिगो के रखती हूँ, फिर अच्छे पानी से धो के इसे यूज़ करती हूँ। और अगर फिर भी उसमें बदबू आ रही है तो इसे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसे फेंक दीजिए और अच्छे वाले नए वाले स्क्रबर आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये है छोटी मोटी हैबिट्स जो मैं हमेशा एवरीडे में यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। अगर आप चाहें तो ये हैबिट भी आप फॉलो कर सकते हैं।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।